धन गुरु नानक जी दे प्यारियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण इहड़ा फकीर मियाँ मिठा जी ने इन्हां दे टिकाणे ते सभा लगी हुई है। सभा विच इन्हां दे मरीद भी ने, ते आप भी बैठे ने। उत्थे चर्चा छिड़ गई गुरु नानक जी दी, अपने गुरु नानक जी दी पागम नहीं नहीं जगत दे गुरु नानक जी दे, सारियां दे गुरु नानक जी दे चर्चा चल रही है। जदों मरीद ने गल कीती ना कि हमगा गौस जी ने ईन मान ली है, ते जड़े फकीर मियाँ मिठा जी ने इन्हां दे अंदर एक कचीची जी आ गई, मत्थे ते रेखा जिहा पै गई, इह किवें संभव है, इंज किवें हो सकदा है, इह तां मन्नण विच नहीं आउंदा। इत्थे मियाँ मिठा जी जिहड़े इत्थे बैठे हुए फकीर ने अपनियां दलीलां दी गल बड़ी जबे नाल करदे ने, इह किवें मन्निया जा सकदा, इंज किवें हो सकता है। जिहड़ा मरीज सामने बह के गल कर रहा सी, कहन लगा खिमा करना, मैं ताड़ा मरीज हाँ, पर जो मैं अपनी अखां नाल देखे है वह मैं कहन तो परहेज नहीं करता। अज तक बड़ा कुछ पढ़िया, बड़ा कुछ सुनिया, ताड़े कोल रह के भी बड़ी जिंदगी नूं समझण दा जतन कीता, पर जो कुछ मैं अपनी अखां नाल गुरु नानक जी दा वरतांत मैं देख के आया हाँ, विथिया मैं तक के आया हाँ, किवें उन्हां दा प्रभाव, किवें उन्हां दा असर समें दे सारे लोकां ते पै रहे, ये मेरे लिए तो बयान करना ही औखा है। मरीज बड़ा प्यार दे नाल गुरु नानक जी की गल सत्कार दे नाल बड़े अदब नाल पेश कर रहे हैं, तो इस तरह पेश कर रहे हैं कि जिवें उहदी दृष्टि अंदर गुरु नानक जी दे तुल उस मौके कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, इस दृष्टि तो गुरु नानक जी का प्रभाव उहदे दिल उत्ते, दिमाग उत्ते, विचार उत्ते छाया। वह दसदा है मैं जो अखां नाल देखे ये गल मैं बयान नहीं कर सकता, मैनू तो इतना की गल होर किसी पास्यों इन्ना कुछ मेरी जिंदगी का लम्मा तजर्बा है, मैं नहीं वेख सकिया, मैं नहीं सुन सकिया। जिहड़ी गल मैं तसीर गुरु नानक जी दी उत्थे देखी है, किवें गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उत्थे ज्ञान दे बोलां दे नाल, किवें ज्ञान दे बचनां दे नाल उन्हां ने उत्थे इहो जिहा प्रभाव छड्डिया है। ये जिहड़े फकीर मियाँ मिठा जी ने ना, ये बड़े अचंभित ने, अपने आपे विच पछिमान भी ने। जो जो इन्हें पता लगता है गुरु नानक जी इस्लामिक घराने विचों नहीं हैं, वो तो हिंदू समाज के घराने विचों ने, तो यह गल होर भी इन्हां दे लई असह हो जाती है, ना जरन वाली बन जाती है। पर मरीद वार वार कहिंदा है पीर जी ओ जिहड़ी गल मैं कर रहा अखां नाल वेखी गल कर रहा, मेरी इन्हां अखां दे सामने हमजा गौस जी पीर ने ईन मन्नी है, उन्होंने मगर लगे ने, उन्होंने अपना जो कुछ भी सी उन्हां दा बल उन्हां दा तेज गुरु नानक जी दे सामने कम नहीं आया।
हमजा गांव जी ने मैं अखां नाल कह वेख के कह रहा मैं ताड़े नाल कुफर नहीं बोलता झूठ नहीं बोलता गलत बयानबाजी नहीं करता मैं उन्हां वर्गा तप तेज वाला उन्हां वर्गा जाहो जलाल वाला उन्हां दे नैणां च धर दे नूर वाला उन्हां दा दगदग करदा मस्तक वाला मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं डिठा। मैनू तो उन्हां विच्चों खुदाई नूर दी चलक पैंदी है। मैं तो उन्हां दी हर गल तो इन्ना मुतसर होया प्रभावित होया कि मैं ये ठीक है कि मैं उन्हां दा मरीद नहीं बनिया क्योंकि मैं ताड़ा मरीद हाँ मेरे दिमाग अंदर ताड़ा सत्कार है पर जिहड़ा असर उन्हां दा है ना ऐ सत्कार जोग फकीर मियाँ मिठा जी वो व्याख्या का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने बोला उन्होंने बोल किन्ने शक्तिशाली ने उन्होंने नैणा की ताव सारनी औखी हो जाती है। उन्होंने हर बचन हर करतब जोड़ा है ना धन गुरु नानक जी का बहुत प्रभाव पाने वाला है बहुत प्रभाव पाने वाला है। हुण जदों इस तरह की चर्चा चलती है इस तरह की गल इत्थे बड़े चल रही है तो जिहड़े फकीर मियाँ मिठा जी ने कहिंदे ने कि उन्हां नूं कोई इस्लामिक शरा बारे इस्लामिक कायदे कानून बारे कोई उन्हां दे मन दे अंदर कोई असर कोई प्रभाव कोई ज्ञान कोई समझ उन्हां दे कोल तां इह जिहड़ा मरीद है कहिंदा मेरे मालक ये बात जो आप जी कर रहे हो वो एक से इस तरह के मसले च पैंदे ही नहीं वो किसी विवाद का हिस्सा ही नहीं बनते उसे जिहड़ी गल उन्होंने करनी है दलील नाल करदे ने विचार नाल करदे ने ज्ञान का शब्द कहिंदे ने तो सामने वाला जिहड़ा व्यक्ति है वह अपनी शरह की गल करे कोई गल करे हर गल नूं ध्यान नाल सुनदे ने अंत जदों आप ज्ञान की गल करते ने ना उन्हां दी ज्ञान की गल के सामने सारे फिके पै जाते हैं सारे नीवे हो जाते हैं उन्हां दी ज्ञान की गल भारू हो जाती है। इत्थे भी बड़ी चर्चा चली है उत्थे भी बहुत ज़्यादा आपस विचार का आदान प्रदान होए विचार वटांदरे होए ने पर जो गल गुरु नानक जी दे शब्द विच है वो अपनी किस्म की गल है उहदी गल जिहड़ी है ना मेरे भी समझ तो बहुत उपर है। मैं गल करां ते शैन ताडे कोल वो गल सुनी नहीं जा सकती ताडे लई वह गल जरनी औखी हो जाएगी इसलिए मैं अपने मूँह तो शब्द नहीं कह सकता क्योंकि वह शब्द ताडे लई इस्लाम की शरह के मुताबक भी वो कितने मैं गुस्ताखी ना कर बैठा मैं कोई इस तरह की अवज्ञा ना कर बैठा जि जड़ी मेरे करन दे नाल मैं भी गुनाहगार बना नहीं मैं जो डिठा मैं जो सुनिया मैं ताड़े सामने गुरु नानक जी के बारे कह दिता। कहिंदे ने जिहड़ा फकीर मियाँ मिठा जी ने ना ये अपने मरीद नू कहिंदे तू कहो कोई गल नहीं मैं तेरी गल नू सुनांगा। ये गुरु नानक जी सुनना चाह रहे ने उन्हां दे प्रभाव नू होर देखना चाह रहे ने इन्हां दे मन दे अंदर जिहड़ी गल पहला सी ना वो सी कि एडा वड्डा तो कोई बंदा हो नहीं सकता इन्ने प्रभाव वाला इन्ने तेज वाला इन्ना बलकारी केड़े एडे वड्डे बंदे जिहड़े सलाम दे ने उन्होंने अपने प्रभाव थले लै लै उन्होंने अपने मगर ला लै उन्होंने ज्ञान तो प्रभावित कर लै एडा वड्डा ये पहला इस गल ने लई बजद सी कि हो ही नहीं सकता तुसी जिहड़ी गल करे वधा चढ़ा के गल करे तुसी गल दे विच अपने को जानबुझ के कुछ गल पा के वड्डी गल करन दा जतन कर रहे हो पर हुण
ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।